हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया बेटा। तो आज हम लेके आ गए हैं नए सेशंस में। हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कोलेटा का लास्ट, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इकानोडर्मेटा। इकानोडर्मेटा के इस क्लास के अंदर हम ये डील करेंगे कि आखिरकार जो हमारा नॉन कोलेटा का अंतिम क्लास होने वाला है, क्या कहता है इनके बारे में, देखेंगे बारी बारी से पूरा, क्योंकि लास्ट क्लासिफिकेशन है। इसके पहले हमने नौ फाइलम के क्लासिफिकेशन वीडियो आपको दे रखे हैं। वो ऐप के ऊपर मैंने बोला था कि ऐप के ऊपर सारे क्लासेस मिल जाएंगे, और ऐप के बाद जो यूट्यूब की वीडियो है उनमें फर्स्ट यूनिट की प्रॉमिस किया गया था कि पहला क्लास यानी फर्स्ट यूनिट का बिहार का पूरा क्लास आपको दिया जाएगा। ये बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और आपके कुछ इधर असम और उड़ीसा के कुछ यूनिवर्सिटी हैं, वहां पे ये सिलेबस लागू होता है, तो वहां के बच्चे इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ इकानोडर्मेटा में क्या पढ़ना है और इसके कितने क्लासिफाई अलग अलग ऑर्डर और अलग अलग हमारे सब फाइलम और क्लासेस बनाए गए हैं, उनके बारे में बातचीत होने वाला है। माइसेल प्रहलाद, आप देख रहे हैं आपका अपना प्लेटफॉर्म वीएनआर क्लासेस। तो चलते हैं बेटा, शुरू करते हैं आज का ये क्लास आपके लिए। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग बेटा, सभी को गुड इवनिंग। इसके पहले का नोट सारे बच्चे कर चुके हैं। प्लीज, ये लास्ट वीडियो होने वाली है, तो प्लीज सारे बच्चे एक बार अपने अपने ग्रुप में जाके शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि अब के जो क्लासेस हैं सारे के सारे अब वो एप्लीकेशंस के ऊपर चलेंगे। तो जितने बच्चे क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं, तो प्लीज, 3 यूनिट बचा है, छोटा छोटा यूनिट है, जल्दी खत्म होगा, तो सारे बच्चे एप्लीकेशन पे क्लासेस ज्वाइन कर ले, और जो ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए थैंक यू छोटा वाला। चलते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशंस के पूरे डायग्रामिक स्ट्रक्चर्स की, रूपरेखा की। जब क्लासिफिकेशन ऑफ इकानोडर्मेटा की कहीं बात होती है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, आता है कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ इकानोडर्मेटा को कितने भाग में बांटा जाएगा। जब इनकी बारी होती है बांटने की, तो इनको दो अलग अलग हम लोग सब फाइलम के अंदर इनको डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं बेटा, दो हम लोग इनको सब फाइलम के अंदर डिवाइड करते हैं। तो जो इनका पहला और दूसरा सब फाइलम है, क्या है पहला और दूसरा जो हमारे पास सब फाइलम है, उनके बारे में हमें क्या मिलता है बेटा। पहला हमारे पास होता है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिस्टुरा जोआ। ये इनके बारे में बात करें तो इनमें हमको क्या मिल जाएंगे, 1, 2, 3, 4 क्लासेस मिल जाएंगे। दूसरा हमारे पास क्या है, पेलमेटो जोआ के बारे में बात करेंगे, तो यहां पे हमारे पास क्या मिल जाएगा बेटा, दूसरा है, इनमें एक ही क्लास हमारे पास फिक्स होता है। ये दोनों के अंदर अलग अलग क्लासेस हैं, अलग अलग तरीके इनके हैं, अलग अलग सबकी कमेंट होगी यानी जनरल कैरेक्टर्स होंगे, और अलग अलग सबके क्या होंगे, एग्जाम्पल्स होंगे। तो ये पूरा हम आपको तो ज्यादा इसमें बारी बारी से कुछ बताते हैं नहीं, क्योंकि ये आपके लिए बनाता हूं मैं बड़ा मेहनत से, क्योंकि आप इसको स्क्रीनशॉट करके एक पेज पे लिख लेंगे तो आपको बाद में रिवीजन करने के लिए काम आएगा। तो चलते हैं, देखते हैं कि आखिरकार सब फाइलम पहला क्या कहता है, उसके अंदर पाए जाने वाले हमारे पहले क्लासेस में जो दो सब क्लासेस हैं और 3 ऑर्डर हैं इनके बारे में, फिर दूसरा क्लासेस और उनके ऑर्डर, यानी बारी बारी से सबके बारे में देखा जाएगा। क्लास शुरू करते हैं बेटा, आज का ये क्लास शुरू किया जाता है। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सब फाइलम फर्स्ट की। किसकी बात करें बेटा, सब फाइलम फर्स्ट की बात करते हैं। क्या करते हैं, सब फाइलम फर्स्ट की बात करते हैं, और सब फाइलम फर्स्ट के पहले क्लास के बारे में बात करते हैं। पहला क्लास हमारे पास क्या है, यहाँ पे है एस्टूडियो। क्या बोलते हैं, एस्टूडिया। एस्टूडिया के बारे में बात करें, ये क्या है बेटा, कहता है कि इनमें पाए जाने वाले जितने भी स्पीसीज होते हैं वो स्टार लाइक स्ट्रक्चर्स के होते हैं। कैसे बेटा, यहाँ पे कैसे होते हैं, स्टार लाइक स्ट्रक्चर, तारे नुमा संरचना के साथ आपको ये देखने के लिए मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे बेटा, तारे नुमा संरचना के साथ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलते हैं, कमेंट इनको डील करते हैं बेटा। पहला कमेंट क्या बोल रहा है, कह रहा है स्टार्स फिश आर सी स्टार्च, मतलब इस क्लास के अंदर आने वाले जो हमारा पहला स्पीसीज है वो क्या है, वो है तारा मछली या फिर समुद्री तारे, यानी समुद्र में पाए जाने वाले तारा के आकार के जितने भी स्पीसीज दिखाई दे रहे हैं सबके सब क्या है बेटा, वो कहीं ना कहीं इकानोडर्मेट के सीरीज में आ जाएंगे। बात करते हैं दूसरा फीचर क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो बॉडी होगी बेटा, बॉडी के अंदर 5 अलग अलग, क्या बॉडी के अंदर 5 अलग अलग भुजाएं शामिल होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्टार्च के अंदर 5 भुजाएं होती हैं। तो सेम फीचर हमें कहीं ना कहीं इकानोडर्मेटा के इस पहले वाले क्लास में देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे ट्यूब फीड पाया जाता है, और ट्यूब फीड ऐसा पाया जाता है जिनमें शक्कर होते हैं। शक्कर का मतलब होता है वो चूसक के साथ आएंगे, किस लिए बेटा, ताकि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म में है या फिर दूसरे जो हमारे
कह सकते हो कि एनिमल्स हैं उनसे न्यूट्रिशन को कवर करने के लिए इनमें शकर के मतलब इनमें जो फूट क्या होता है फूड बोलते हैं क्या उनको बोलते हैं ट्यूब फीड, ट्यूब फीड के साथ शकर पाया जाएगा, शकर के साथ हमारा ट्यूब फीड देखने के लिए मिल जाएगा। ये नोट करना, ये आपको काम देगा। कभी कभी पूछता है कि कैंड्रोमेटा के किस क्लास के अंदर शकर पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे भैया हमारे पास क्या मिला था, हमारे पास एस्टोरिडिया मिला था, एस्टोरिडिया के अंदर हमें कहीं ना कहीं ये कमेंट देखने के लिए मिल गया था। अब बात करते हैं एनस पार्ट की, बात करें तो एनस इसमें पाया जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या मिलेंगे, मिड्रोफाइट कंडीशंस में होंगे, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं मेड्रोपाराइट, क्या मेड्रोपाराइट एब्रोल, एब्रोल क्या मेड्रोपाराइट एब्रोल पाए जाएंगे उनके कहां पे, बेसिक यूनिट के ऊपर, यानी जो उनकी सतह होगी सतह पे ये संरचना आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कौन सी, गुदा वाली, यानी एनस द्वार होगा जो स्पायरेटरी सॉरी जो एक्सक्रेटरी मटेरियल को बॉडी के बाहर निकालने का काम करता है। और इनके साथ साथ क्या मिलेगा इनमें बेटा, इनको बोलता है मेड, क्या बोलते हैं मेड्रीपाराइट या पोराइट, तो मेड्रीपोराइट पाया जाएगा। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान देना, कहां पाया जाएगा बेटा, एब्नो क्या बोलता है एब्रल, ओके बेटा क्या मिलता है एब्रोल सरफेस के ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी बात करते हैं कि एक स्ट्रक्चर और होता है जिसको बोलते हैं पेडिकुलेरिया, क्या बोलते हैं पेडिकुलेरिया, पेडिकुलेरिया इनके बॉडी में कहीं ना कहीं हमको उपस्थित मिल जाएगा। तो आपको कभी पूछेगा व्हाट इज पेडिकुलेरिया प्रेजेंट इन इन दिस फाइलम, तो आपसे बता देना बेटा कि जो पेडिकुलेरिया है वो हमें इकाइनोडर्मेटा के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ये एक स्पेशल कैरेक्टर इनका है। अगला है कि कैसे रहेंगे, इनके रहने की बात करें बेटा तो ये फ्री लिविंग होते हैं, मतलब कॉलोनी के फॉर्म में नहीं होंगे, अकेले रहते हैं, ये स्वतंत्र जीवी होते हैं। और अगला बोल रहा है क्या कि ये मांसाहारी होते हैं, क्या होते हैं मांसाहारी होते हैं, और ये स्लोली कैसे यहाँ पे स्लोली मूव करने वाले एनिमल्स होते हैं, मतलब इनकी जो गति होती है काफी धीमी होती है, यानी धीमी गति से रेंगने वाले हमारे स्पीसीज होते हैं। और बात कर लें कि ये बेटा हमारे पास ऐसे जगह पाए जाएंगे जहां पे गंदा मिट्टी का मतलब था मैला मिट्टी वाले जो एरिया होते हैं समुद्र के निचली सतह पे ये रेंगते हुए हमको दिखाई दे देते हैं। ठीक है, तो आपसे कभी पूछेगा तो बता देना कि समुद्र में रहते हैं, मैराइनल होते हैं, हमने बताया था कल के क्लास में कि जितने भी स्पीशीज होते हैं सबके सब क्या होते हैं बेटा, मैराइनल होते हैं। ओके आदित्य बेटा, ये लास्ट क्लास है, मैंने क्या बोला था बिहार के लिए ये लास्ट क्लास है, यूपी का क्लास ऑलरेडी ऐप पे चल रहा है। ठीक है, ये बिहार का अंतिम क्लास है, इसके बाद बिहार की ज्योलॉजी है आप यूट्यूब पे नहीं चलेगी। ठीक है, ये मैंने पहले ही बोला था, हम ये भी बोले हैं बेटा हम यूपी से हैं, पढ़ सकते हैं, यूपी के पांचवें सेमेस्टर के बच्चे होंगे तो ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे तो आपको क्या बताना है, ये फ्री लिविंग होते हैं, ये जहां मैला स्थान होता है वहां गंदे स्थान पर पाए जाते हैं या मैल से ढके हुए होते हैं, ये स्लोली मूव करते हैं, स्लोली रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं, और ये आपको मिल जाएंगे मांसाहारी होते हैं, यानी दूसरे जीवों को पकड़ के खाते हैं, यानी ये है हमने बताया था क्योंकि भैया ये हेट्रो न्यूट्रिशन को दिखाते हैं। ठीक है, क्या दिखाते हैं, हेटरोट्रॉपिक हैं, तो हेटरोट्रॉपिक में ये होलोजोइक दिखाते हैं, जैसे हम लोग भोजन करते हैं वैसे ये भी करते हैं, लेकिन होलोजोइक में कैसे करते हैं बेटा, ये हमारे स्पेशली मांसाहारी के सीरीज में आते हैं। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो जिसको करना हो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है बेटा आदित्य, ये नोट डाउन कर लो बेटा, ओके अगला चलते हैं बेटा। अगला क्या है, हमारा जो पहला क्लास है, ठीक है, पहले क्लास के अंदर दो हमारे सब यूनिट होते हैं। नंबर फर्स्ट, हम पहले सब यूनिट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे पहला सब यूनिट क्या कह रहा है, इसको पहले सब यूनिट के अंदर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं सोमेस्टोरोडिया। तो सोमेस्टोरेडिया क्या है, सोमेस्टोरेडिया के अंदर बोल रहा है कि भैया जितने भी हमारे स्टार्च फिश होते हैं वो पैलियोजोइक थे, लेकिन वो फॉसिल्स के फॉर्म में पाए जा रहे हैं, मतलब वो कह सकते हो कि जीवाश्म ये पाए जाते हैं, क्या जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं, जो पूरा पाषाण काल था, कौन था बेटा पैलियोजोइक, मतलब होता है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के समय,
ये हमें कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलते थे, लेकिन अब ये कैसे हो चुके हैं बेटा, वो अब जीवाश्म के रूप में फॉसिस रिकॉर्ड के अंदर आ गए हैं। किसके अंदर आ गए हैं? फॉसिस रिकॉर्ड के अंदर ये आ गए हैं। यदि लेस एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या रखेंगे हम लोग, ये सारे के सारे स्पीसीज जीवाश्म के रूप में पाए गए, लेकिन एक ऐसा स्पीसीज है जो अब तक जिंदा पाया जा रहा है इस सब क्लास की बात करें, उसका नाम है प्लेटिस्टेरियस। क्या? प्लेटिस्टेरियस। तो प्लेटिस्टेरियस को आप देखेंगे तो प्लेटिस्टेरियस लैटिरिडिटा, क्या बोलते हैं, लैडी लैटिरिडिटा। तो लैटिरिडिटा और ये हमारा एक ही नाम है, ये इसकी जीनस है, ये इसकी स्पीसीज है, ठीक है। ये एकमात्र ऐसी हमारी स्पीसीज है जो अब तक लिविंग कंडीशंस में पाई गई है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रहे। दूसरा बात करो बेटा, दूसरा हमारे पास सब क्लास है। दूसरे सब क्लास में क्या कर रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इस्टे। हाँ देखो, ये क्या बोलते हैं, स्टेरोडियाई। तो स्टेरोडियाई की बात कर ले, स्टेरोडियाई के अंदर बोलते हैं कि जितने भी स्टार फिश होते हैं, अब के समय जो स्टार फिश होते हैं, सारे के सारे स्टार फिश लिविंग कंडीशंस में होते हैं, लेकिन अब इसमें किसी भी टाइप का कोई भी जीवाश्म यानी फॉसिल्स रिकॉर्ड देखने के लिए नहीं मिलता है। ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है बेटा। क्या हुआ बेटा? हाँ, यूपी का क्लास 5 बजे शुरू होगा बेटा, यूपी का क्लास 5 बजे शुरू होगा, ठीक है। आगे देखो, ये क्या कह रहा है कि जितने भी हमारे सी स्टार्स होंगे, समुद्री तारे होंगे, वो क्या होंगे बेटा, जीवित कंडीशंस में पाए जाते हैं, इसमें किसी भी टाइप का कोई भी फॉसिल्स रिकॉर्ड देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगला देखो, इसके दो तीन ऑर्डर, तीन ऑर्डर है, तीन ऑर्डर में पहला ऑर्डर हमारे पास क्या मिल रहा है, पहला ऑर्डर है, इसको बोलते हैं फेनरोजोनिया। क्या बोलते हैं बेटा? फेनरोजोनिया। तो फेनरोजोनिया के बारे में बात करें तो फेनरोजोनिया के जो बॉडी कंडीशंस होती है वो कैसे होती है, इनके बारे में बात करें तो भैया इनके बारे में बात कर ले कि इनकी जो बॉडी कंडीशंस होती है, बॉडी कंडीशंस के जो एब्रल सरफेस होता है, क्या होता है, इनकी बॉडी कंडीशंस की बात करें, किसको, फेनरोजोनिया की। तो फेनरोजोनिया के बॉडी कंडीशन की बात करें तो जो हमारे पास एवरॉल, क्या बोलते हैं, एवरॉल सरफेस होती है, एवरॉल सरफेस पे छोटे छोटे हमारे क्या होते हैं, पपुला बोलते हैं, पेपुला वाला बॉडी पाया जाएगा, और उसमें कुछ हमारे पास क्या मिल जाएंगे, कुछ हमारे पास प्लेट लाइक, क्या मिलते हैं, मार्जिनल प्लेट्स स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, छोटे 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 खंड युक्त हमारे प्लेट दिखाई, बॉडी सिगमेंटेड नहीं होती, लेकिन जो प्लेट होते हैं वो सिगमेंटेड कंडीशंस में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यदि बात करें इनके बॉडी के कंडीशंस की, इनके बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की, तो इनके बॉडी के अंदर बात करें रिस्पायरेटरी सिस्टम डेवलप हो गया होता है, यानी होता हुआ दिखाई देता है, और उसमें हमको क्या मिल जाता है, उसको बोलते हैं पेडी केलेरिया। तो पेडिकेलेरिया एल्वोलाई इनके अंदर मिलता है, वो भी सेसाइल कंडीशंस में, यानी एक गुच्छे के समान ऐसे आगे की ओर बढ़ता हुआ आपको दिख जाएगा। तो आपको याद रहे बेटा कि हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा पेडिकेलेरिया, पेडिकेलेरियल एल्वोलाई मिल जाएगा, जो रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर, मतलब इनके बॉडी में रिस्पायरेशन के लिए, श्वसन के लिए काम करेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, इनके अंदर बेटा क्या मैच मिलेगा, और यहाँ के अंदर 2 फीट पाया जाएगा, लेकिन उनमें किसी भी टाइप का कोई भी सकर नहीं पाया जाएगा। क्या मिल जाएगा? सकर, यानी चूसने वाला जो भी स्ट्रक्चर इनके अंदर होता है वो यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे कहता है कि मोस्टली जितने भी ऑर्गेनिज्म है, क्या है, मोस्टली जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, किसके, फेनरोजिनिया के जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सबके सब क्या होंगे, लिविंग होंगे, मान लिया मैंने, और सबके सब ब्राउनी मतलब बील में रहने वाले होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, नमी हो, मतलब जितने भी नमी यानी समुद्र के तल में जितने भी नमी एरिया होता है, यानी जहां पानी हो वहां पे ये बिल बनाकर रहते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल की बात करेंगे तो एग्जांपल बहुत सारे हैं, आप एक दो किसी को रख लो, यहाँ पे एस्ट्रोपेंक्टोन है, क्या है, एस्ट्रोपेक्टोन है, पेक्टोन बोलते हैं, पेक्टोन है, इनको आप रख लो। उसके बाद लुडियाई होगा, उसको रख लो, क्या, लुडिया होगा, उनको रख लो। उसके बाद एरिस्टर है, इनके रख लो। उसके बाद गोनिया, क्या, गोनियास्टर है, इनको रख लो। ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, एनीवन किसी एक को रख के आप काम चला लो, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रहे, ठीक है बेटा, याद रहेगा, एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, जो हम फिर आगे चलते हैं। एक बार बेटा स्क्रीनशॉट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। आगे देखें अगला क्या कह रहा है, दूसरे के बारे में बात करें, इसको बोलते हैं हमारे पास पहला था फेनरोजेनिया, दूसरा हमारे पास है क्या, इसको बोलते हैं स्पिनोलोसा। क्या बोलते हैं बेटा? स्पिनोलोसा। स्पिनोलोसा दूसरा ऑर्डर है। जब स्पिनोलोसा की बात करते हैं तो इनमें सिंपल तरीके से कहते हैं इनके जो बॉडी सरफेस होती है, क्या होती है, बॉडी सरफेस के दोनों सतहों पे, अपर और लोअर, मतलब डार्सल और वेंट्रल कंडीशन पे देखे जाए तो छोटे छोटे हमें सीमांत प्लेट दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? सीमांत प्लेट दिखाई देंगे जो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। उनके साथ जो क्या था यहाँ पे, पपुला था, पपुला भी इनको अंदर प्रेजेंट आपको दिख जाएगा। और कहता क्या है कि इनके बॉडी के अंदर जो हमारे पास पेडिकुलेरिया एल्वोलाई होता है वो कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है और कुछ ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इनके बॉडी के अंदर जो पेडिकुलेरिया एल्वोलाई था किसके लिए, रिस्पायरेशन के लिए, इनके अंदर क्या होगा बेटा, शायद ही कभी मौजूद हो, यानी कभी कभी शायद ये देखने के लिए पाया जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है कि जो उनकी ट्यूब फीट होती है, ट्यूब फीट के अंदर ठीक है सकर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहां पे आपको सकर देखने के लिए मिलेंगे। अभी क्या कहता है, एब्रोल एब्रोल सरफेस विथ लो स्पाइन, यानी कहने का मतलब क्या है कि इनका जो निचली सतह, मतलब इनकी जो बैकबोन होती है, यानी निचली रीढ़ की हड्डी वाले पे एब्रोल सतह आपको पाया जाएगी, निचली सतह जो होगी एब्रियो सतह होती है वहां पे आपको रीढ़ की हड्डी दिखाई देती देगी, मतलब दिखाई दिखाई देगी। आगे कहते हैं एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आ जाएंगे, उसको बोलते हैं इचना स्टर। क्या बोलते हैं? इचना स्टर, सोरो स्टर, उसके बाद स्टरिना, उसके बाद हमारे पास है पेरा स्टर, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे किसके बारे में, स्पिनोलोसा में रख सकते हैं। अब बात करते हैं ऑर्डर नंबर तीन की। ऑर्डर नंबर तीन हमारे पास है जिसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ सिंपल नाम है, जिसको बोलते हैं फारसी। क्या बोलते हैं? फारसी प्लूटा या फारसी पुलटा। तो फारसी पुलटा के बारे में बात करें, देखो नाम बड़ा अजीब अजीब है ना, ध्यान से पढ़ना, बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो ये फारसी क्या बोलते हैं, फारसी पुलटा जो है ये तीसरा हमारा ऑर्डर है। इसमें क्या कहता है कि यहाँ पे मार्जिनल प्लेट पाया जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा, सीमांत प्लेट आपको मिल जाएगा, और इनके बॉडी के अंदर क्या, इनके बॉडी के अंदर कभी कभी ये पाया जाएगा, कभी कभी ये स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, लेकिन कभी ज्यादातर मौसम में अनुपस्थित ही होता है। क्या मिलता है? ज्यादातर ये अनुपस्थित ही होता है। अभी बात करें यहां पे पेडिकुलेरिया के बारे में, तो पेडिकुलेरिया जो होता है वो पांडुकुलेट के फॉर्म में होता है, कभी कभी वो सीधा रेखा में पाया जाएगा, स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर में होगा, और कभी कभी एक दूसरे को क्रॉस करते हुए भी आपको दिखाई देंगे। यदि बात करें यहां पे ट्यूब फीट के बारे में, तो ट्यूब फीट चार अलग अलग पंक्तियों में आपको दिखाई दे सकता है। क्या? चार अलग अलग पंक्तियों में आपको दिखाई दे सकता है। तो इसको नोट करो बेटा, फिर आगे चलते हैं, इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। क्या हुआ बेटा? साक्षी, राधे राधे बेटा, राधे राधे सभी को, प्रिया शुक्ला और मीला, दीपू, साक्षी, आदित्य, जितने बच्चे हैं सभी को, सचिन, कृष्णा, सचिन जो भी हैं, सभी बच्चों को मोस्ट वेलकम बेटा। ये आप स्क्रीनशॉट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये स्क्रीनशॉट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ें। ठीक है, अगले बारे में बात करें, क्लास नंबर दो। क्या बात करें? क्लास नंबर दो, जिसको बोलते हैं क्या, ओफ्रिडिया। तो ओफ्रिडिया के बारे में बात करें कि ओफ्रिडिया क्या कहता है। पहला कहता है भैया ये स्नैक लाइक स्ट्रक्चर्स में होते हैं। कैसे होते हैं? इसलिए स्नैक लाइक स्ट्रक्चर्स, मतलब इनके जो सांप होते हैं ना, सांप, सांप बाबा जी की टुल्लू, सांप जो उनके सांप होते हैं, सांप के पूंछ की तरह इनका रूप आपको दिखाई देगा। चलो आ जाओ देखो, कहते क्या है इनमें, सब छोटे 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 इनके करेक्टर हैं। पहला करेक्टर है कि भैया ये स्पष्ट तारे जैसे संरचना में नहीं होते। कैसे? ये स्पष्ट स्टार लाइक स्ट्रक्चर से नहीं कहते। इनका जो शरीर होता है वो पंचकोणी होता है, चपटा होता है, यानी और कैसे होता है, पेंटागोनल स्ट्रक्चर में पाए जाएंगे। कैसे होंगे? चपटा होगा।
ठीक है। और दूसरा क्या होगा, इनका जो बीच वाला हिस्सा होता है, जो कह सकते हो कि सेंट्रल एरिया होता है, वो कैसा, वो स्फेरिकल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स के साथ पाया जाएगा। कैसा, स्फेरिकल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स के साथ पाया जाएगा, ठीक है। और क्या कह रहा है कि इनकी जो भुजाएं होती हैं, क्या इनकी जो भुजाएं होती हैं वो कितनी होती है बेटा, 5 होती है, और कभी कभी 6 और कभी 7 भी आपको दिखाई देगी। लेकिन इनके भुजाओं पे कांटे नुमा संरचना आपको देखने के लिए मिल जाएगी। भुजाएं थोड़ी लंबी होती है, पतली होती है, चिकनी होती है, कांटेदार होती है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़िए। अब बात करें पेडिकुलेरिया के बारे में, तो पेडिकुलेरिया यहाँ पे क्या होगा बेटा, अब्सेंट होगा, किसी भी टाइप का कोई भी पेडिकुलेरिया यहाँ पे नहीं पाया जाएगा। यदि बात करें कि यहाँ पे जो हमारे पास क्या था, मेडेपोराइट है, मेडेपोराइट जो है वो यहाँ पे स्पेशली कहाँ पाया जाएगा बेटा, निचली सतह पे, कहाँ पे, ओरल सरफेस के आसपास आपको दिखाई देगा। अभी बात करें स्टोमक से, यानी जो हमारे पास स्टमक होता है ना, पेट की थैली जैसा यहाँ पे गुदा जो होगा वो अनुपस्थित होगा, यानी यहाँ पे जो एनस है वो अब्सेंट होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो स्टमक को सेक आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। अभी बात करते हैं थोड़ा और आगे बढ़ के, जो हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास क्या हो, एम्बुलेक्रल एम्बुलेक्रल जो हमारे पास ग्रो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, और कभी कभी वो अस्थि पंजर से ढके हुए होते हैं, क्या होते हैं, अस्थि पंजर से ढके हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पे बात करें कि जितने भी हमारे पास यहाँ पे ट्यूब ऑफ फीट होते हैं, ट्यूब फीट के अंदर किसी भी टाइप का कोई भी सकर नहीं पाया जाता। ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या पड़ेगा, ये चीजें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इनमें किसी भी टाइप का कोई भी सकर नहीं पाया जाता, यानी अब्सेंट होते हैं। तो इनमें सकर क्या होंगे बेटा, विदाउट सकर्स पाए जाएंगे, ठीक। तो इसको और सारे सारे मैराइनल होते हैं, कुछ इनमें बातें नहीं है। एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट, फिर आगे चले हम लोग अगले के बारे में बात करते हैं। अगला क्या कहता है, हम लोग दूसरे नंबर पे बात करें, दूसरा हमारे पास है दूसरे क्लास का पहला ऑर्डर जो है उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ओफिरे। ओफिरे के बारे में बात करें कि ओफिरे क्या है, ओफिरे बोलते हैं बैटल लाइक स्ट्रक्चर्स में, कैसे बेटा, ये भंगुर स्ट्रक्चर्स में होते हैं, ये सर्प लाइक स्नेक लाइक स्ट्रक्चर्स में आपको दिखाई देंगे। कैसे, ये स्नेक जैसे सांप होते हैं, सांप के जो पूछ होते हैं उसके जैसे, मतलब आगे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स में पाया जाएगा, ऐसे होंगे, ये पतला सा यहाँ मोटा होगा, फिर ये धीरे धीरे पतला हो जाएगा, ठीक है। यानी सांप की जैसे पूछ होती है वैसे इनके स्टार यानी इनके जो आर्म होंगे वो दिखाई देंगे। अभी कहता है कि जो आर्म होंगे वो कितने होंगे, वो 5 होंगे, छोटे होंगे, कैसे होंगे, 5 होंगे, छोटे होंगे। और बात करें भुजाओं की, तो जो भुजाएं होती हैं वो अनुप्रस्थ गति में चलते हैं, कैसे चलते हैं, अनुप्रस्थ गति में लोकोमोशन करते हुए आपको दिखाई दे देंगे। अभी बात करते हैं डिस्क या आर्म जो होता है वो कवर होता है किसके साथ, एक प्लेट के साथ ये ढका होता है, यानी जो इनकी डिस्क होती है और जो इनकी भुजाएं होती हैं ऊपर एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो कहीं ना कहीं इनको क्या करती है बेटा, ढक के रखती है ताकि सही तरीके से इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। यदि एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल आप यहाँ पे रख सकते हो किसको, ओफियोडर्मा को, तो ओफियोडर्मा बेस्ट एग्जाम्पल है, रख लो, काम चल जाएगा। अभी बात करते हैं दूसरा हमारे पास ऑर्डर है, दूसरे ऑर्डर को बोलते हैं क्या, बोलते हैं
यूरियल, यूरिले, इनको बोलते हैं यू, क्या बोलते हैं, यूरिले। तो यूरिले के बारे में बात करें, यूरिले क्या बेटा, आर्म इनका काफी सिंपल होता है, ब्रांचेज होते हैं, वर्टिकल मूवमेंट करते हैं। कैसे, ये ट्रांसफर मूवमेंट का ट्रांसफरली मूवमेंट करते हैं, ये क्या करते हैं बेटा, वर्टिकल मूवमेंट करते हुए आपको दिखाई दे देंगे। अगला क्या है बेटा, ये डिस्क लाइक, मतलब इनका जो डिस्क होता है वो आर्म होता है, वो कवर होता है किसके द्वारा, यहाँ पे सॉफ्ट स्किन द्वारा। यहाँ पे कैसा कवर था, यहाँ पे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर के साथ कवर था, और यहाँ पे कैसा है, सॉफ्ट स्किन से कवर है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में छोटा सा और रख लो, जिसको बोलते हैं एस्ट्रे, क्या बोलते हैं, एस्टेरोनिक्स। तो एस्टेरोनिक्स जो है वो हमारे पास यूरिले, क्या, यूरिले का बेस्ट एग्जाम्पल होने वाला है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट करो, फिर हम लोग आगे बढ़े, इसको स्क्रीनशॉट करो बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक बेटा, हो गया, आगे बात करें तीसरे क्लास के बारे में बात करते हैं। तीसरा क्लास कहाँ है पे, यहाँ पे बात करें तीसरे क्लास की, तो तीसरा क्लास बोल रहा है क्या, इसको बोलते हैं, एक मिनट बेटा, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इचिनोइडिया। इचिनोइडिया के बारे में बात करें, इचिनोइडिया क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास कैसे बोलते हैं, हेमहोग, क्या, हेमहोग फॉर्म में ये आपको दिखाई देंगे। इनका मतलब होता है हेमहोग फॉर्म, क्या होता है हेमहोग फॉर्म, आगे देखो, कहते हैं कि जितने भी अर्चिन होंगे, क्या होंगे, जितने भी समुद्री अर्चिन होते हैं और जितने भी डॉलर होते हैं, वो सबके सब इनमें आते हैं। समुद्री अर्चिन का नाम सुना होगा, जितने भी अर्चिन है सबके सब यहीं पे इचनो, क्या, इचनो एरिया के अंदर आते हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है, इनकी बॉडी होती है गोलाकार, कैसी होती है, कैसी होती है बेटा, गोलाकार होती है। ठीक है, एक मिनट बेटा, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, इनकी बॉडी कैसी होगी, इनकी बॉडी गोलाकार होती है, कैसी होती है, गोलाकार होती है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स में होती है, कैसी होती है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स में होती है, और ये हॉट लाइक, कैसे, ये ओवल हॉट लाइक शेप को स्पर्श करती है। तो इनको बॉडी जो होगी ना, अलग अलग सेगमेंट में आपको अलग अलग स्पीशीज की दिखाई देगी। पहले कंडीशन क्या बोल रहा है, बॉडी स्फेरिकल होगी, डिस्क लाइक होती है, ठीक है, ओवरऑल होगी, और यहाँ पे हॉट शेप्ड होती है, कैसे होती है, हॉट शेप्ड होती है, यानी हॉट लाइक स्ट्रक्चर्स के साथ ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना। अब आगे बात करते हैं, इनके जो इनके अंदर क्या होगा, स्केलेटन होगा, स्केलेटन विद मूवेबल, एंड इनके बॉडी में जो स्केलेटन सिस्टम्स होते हैं वो समय के साथ मूव करते हैं, जैसे लोकोमोशन आगे की तरफ करेंगे वैसे धीरे धीरे क्या करें बेटा, ये मूव करता हुआ आगे की ओर बढ़ता रहेगा, ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। और इनके बॉडी के अंदर स्पाइन देखने मिलते हैं, कांटेदार स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, और कांटे, क्या, और कांटेदार स्ट्रक्चर्स के साथ छोटे छोटे कई सारे ऐसे संरचना दिखाई देंगे। ठीक है, जो कैसे होंगे बेटा, जो इनको बोलते हैं पेडिकलेरिया वाले कंकाल, यहाँ पे दिखाई देंगे तीन अलग अलग पेयर्स में, भी जॉ पेयर, इनको बोलते हैं जॉइंट पेयर के फॉर्म में। ठीक है, ये तीन जबड़े पाए जाएंगे, कैसे मिलेंगे, तीन जबड़े के फॉर्म में ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और उसके बाद अगला होता है क्या, कि इनकी बॉडी कैसे मूव करती है, इनकी बॉडी के लिए, मतलब इनके बॉडी के अंदर क्या होगा, इनके बॉडी के लिए किसी भी मटेरियल को चबाने के लिए, उनको काटने के लिए इनके बॉडी में क्या होता है, दांत होता है, क्योंकि जबड़े पाए जाएंगे, तीन अलग अलग जबड़े होंगे, मतलब तीन अलग अलग जबड़े कंडीशंस पाए जाएंगे, तो इनके अंदर दांत भी पाए जाएंगे। और दांत क्या होता है, दांत स्पेशली मटेरियल को कट करने के लिए, मटेरियल को पकड़ने के लिए होता है, और इसे हम लोग अरस्तु के लालटेन कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, अरस्तु लालटेन। तो अरस्तु लालटेन के फॉर्म में आपसे कभी पूछा जाए कि अरस्तु लालटेन किस फाइलम के अंदर आता है, तो प्लीज नोट डाउन, ठीक है, क्या, इसको प्लीज बेटा नोट डाउन कर लेना, क्या करना, नोट,
भैया ये आपको एमसीक्यू के अंदर आपसे पूछ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बेसिस पे। कहाँ पे बेटा? ये नेट के एग्जाम देने जाओ तब पूछ सकता है। यहाँ पे टीजीटी, क्या टी डी टीजीटी के फॉर्म में देने जाओ तब पूछ सकता है, या फिर आगे आप एमएससी एग्जाम के एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो भी पूछ सकता है। बड़े एग्जाम में ये अरिस्टोटल लॉल्टेन के बारे में आपसे पूछ सकता है, तो प्लीज नोट डाउन आप कर लीजिएगा इसको। आगे बात करते हैं कि इनके बॉडी के अंदर बात करें, इनके बॉडी के जो कैप्सूल लेयर है इनके बारे में बात करें कि यहां पे जो हमारे पास क्या है, एम्बुलेक्रल है। एम्ब्रुलेक्रल जो खांचे होती हैं वो अस्थि पंजर से, यानी जो बैकबोन की लेयर्स होती है, स्कल्टन होती है, उनसे क्या करेगी बेटा, ढकी होगी। यदि बात करें मेल फीमेल की, तो दोनों मेल फीमेल क्या होंगे, अलग अलग होंगे, यानी मेल अलग पाया जाएगा, फीमेल अलग अलग कंडीशंस में पाए जाएंगे। यदि गोनाड की बात करें तो गोनाड गोनाड यहाँ पे कैसा होंगे, पेंटामेरस के फॉर्म में पाए जाएंगे। कैसे मिलेंगे बेटा, पेंटामेरस के स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। आगे बात करते हैं इसके इस क्लास के अंदर, ठीक है, आर्चियोडिया के अंदर। क्या आर्चियोडिया के अंदर पहला हमारे पास क्लास आता है, यानी सब क्लास आता है, ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। इनको बोलते हैं ब्रोंथियोसाइडेरोडी। क्या ब्रोंथियो क्या बोलते हैं बेटा, नोट कर लो, लिख लेना, कुछ लोग हिंदी लिख रहे होंगे तो लिख लेना इसको, क्या बोलते हैं बेटा, ब्रोंथियोसाइडेरोइडा, ठीक है। अभी क्या कहता है, ये सिंगल रो ऑफ प्लेट इन इच इंटर एम क्या बोलते हैं, एम्ब्रुलेक्रल एरिया, यानी एम्ब्रुलेक्रल एरिया के अंदर एक सिंगल रो का प्लेट इनपे देखने के लिए मिल जाएगा। आगे कहते हैं कि यहाँ पे जो मिड्रेपराइट होता है वो रेडियल फॉर्म में पाया जाएगा, और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं लॉन्टेन, क्या लॉन्टेन जो होगा वो ट्रॉपिकल लॉन्टेन जो होता है वो यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। यदि एग्जाम्पल की बात करें तो एक विलुप्त हमारे पास क्या बोलते हैं ओडोविसन एरिया, ओडोविसन काल के अंदर, क्या ओडोविसन काल के अंदर हमारा एक जीनस होता था जो विलुप्त हो चुका है, यानी उनके फॉसिल्स रिकॉर्ड अब तक मिले हैं, उनका नाम था क्या, उनका नाम था बोथे, क्या बोलते हैं ब्रिथी या ब्रिथियो सोडरिस, क्या ब्रिथियो सोडरिस, तो ब्रिथियो सोडरिस जो था उस समय हमें कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता था। तो प्लीज नोट डाउन बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये ना, ये क्लासिफिकेशन एक ऐसा मैटर है ना, बड़ा बोर कर देता है पढ़ते पढ़ते, इसमें एक ही चीज बार 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 पूछेगा और बड़ा कंफ्यूज करता है कभी कभी, ठीक है, हो गया बेटा। सब क्लास टू के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, सब क्लास टू के बारे में बात करते हैं कि सब क्लास टू क्या कह रहा है। यदि बात करें सब क्लास टू के अंदर तो रेगुलेरिया के बारे में बात करेंगे, रेगुलेरिया के बारे में बात करें, उनकी बॉडी कैसी होती है, गोलाकार होती है, लिखा है पीछे, कैसे होती है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में होती है, पेंटामेरस स्ट्रक्चर में होती है, और इंटर एम्ब्रुलेक्रल प्लेट पाई जाती है दो अलग अलग सीरीज के अंदर, पहला चीज। दूसरा, यहाँ पे जो अरस्तु का लॉल्टेन है वो भी डेवलप पाया जाता है, और इनकी जो माउथ होती है वो बीच में सेंट्रल एरिया में पाया जाएगा। यदि बात करेंगे मेड्रेपोराइट की, तो मेड्रेपोराइट मौखिक होता है, क्या होता है, मेड्रेपोराइट मौखिक होता है, और इनके बॉडी में जो गुदा द्वार होती है, जो गुदा होता है, जो एनस पार्ट होता है, वो सेंट्रल पाया जाता है, वो भी एपिकल प्लेट के साथ, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब इनमें ऑर्डर नंबर फर्स्ट के बारे में बात करें तो ऑर्डर फर्स्ट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेपिडो, क्या लेपिडो सिंड्रोइटा। तो लेपिडो सिंड्रोइटा के बारे में बात करें तो क्या कहता है, ओवरलैपिंग प्लेट के साथ, क्या कहता है, कहता है कि यहां पे टेस्ट फ्लेक्सिबल विथ ओवरलैपिंग प्लेट, यानी यहां पे क्या मिल जाएगा कि यहां पे कहता है टेस्ट फ्लेक्सिबल विथ ओवरलैपिंग प्लेट, यानी ओवरलैपिंग प्लेट जो होगा बेटा प्लेट के साथ, इनमें लचीलापन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इनकी बॉडी जो ऐसी क्या होती है, इनकी बॉडी काफी स्मूथबल होती है और काफी उनमें फ्लेक्सिबल कंडीशंस होते हैं, और उनके एक के ऊपर एक के ऊपर एक आपको प्लेट देखने के लिए मिल जाएंगे। अभी क्या होती है कि बात करें दूसरे पॉइंट में, दूसरा बोल रहा है यहाँ पे कि जो एम्ब्रुलेक्रल, क्या
एम्ब्रोलैक्रल जो हमारे पास प्लेट होते हैं वो माउथ से हमारे ओट तक, यानी जो लिप्स होती है माउथ टू लिप्स के बीच आपको फैली हुई दिखाई दे देगी। यदि बात करें बेटा कि कुछ ऐसे भी हमारे पास प्लेट्स हैं इनके बॉडी में जो अब तक विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन इंटरनल, क्या इंटरनल आंतरिक एम्ब्रोलैक्रल प्लेट आपको दिखाई देंगे दो या दो से अधिक पंक्तियों के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल यहाँ पे कौन रखेंगे, हमारे पास क्या है पैलियो, क्या है पैलियो डिस्कस। तो पैलियो डिस्कस यहाँ पे एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट करो फिर चलते हैं आगे। देखिए कमेंट किसका किसका है, थोड़ा सा जनवरी में एग्जाम है सर केमिस्ट्री बॉटनी। ओके बेटा हो जाएगा साक्षी, डोंट वरी, चिंता ना करना। ठीक है, नवंबर के लास्ट तक सब कुछ खत्म कर देंगे सर। बॉटनी क्लास कब चलेगा, सब कुछ हो जाएगा बेटा। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहले इसको खत्म कर लें, ये थोड़ा सा आपके लिए खत्म कर ले फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला बेटा, अगला क्या है, दूसरा हमारे पास दूसरा ऑर्डर है। दूसरे ऑर्डर के बारे में क्या बोलता है, दूसरा ऑर्डर बोलते हैं इसको बोलते हैं मेलिनो, क्या बोलते हैं मेलिनिचुडियाई। मेलिनिचुडा के बारे में बात करें, मेलिनिचुडा क्या कहता है बेटा, यहाँ पे टेस्ट स्फेरिकल होगा, काफी मजबूत होता है। कैसा होता है, इनका बॉडी में जो टेस्ट होता है वो काफी गोलाकार होगा पहली बात, और दूसरा कैसा होगा, काफी कठोर होगा। दूसरा एम्ब्रोलैक्रल प्लेट यहाँ पे कंटिन्यूअस होता है माउथ और लिप्स के बीच, यानी लिप और माउथ के बीच जो एम्ब्रोलैक्रल प्लेट है वो पाया जाएगा। ठीक है, और क्या कहता है कि इंटर एम्ब्रोलैक्रल प्लेट इन फोर एंड फोर मोर रो, यानी हमारे पास अंदर की ओर, क्या अंदर की ओर चार या चार से अधिक पंक्तियों के साथ, क्या चार या चार से अधिक पंक्तियों के साथ यहाँ पे एम्ब्रोलैक्रल प्लेट आपको दिखाई देंगे। और बात करें इनके जो स्पीसीज है वो पूर्णतः विलुप्त हो चुके हैं, अब हमारे इन्वायरमेंट में ये दिखाई नहीं देते हैं। एग्जाम्पल को सेट डाउन करना होगा तो आप कर लीजिएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे है मेलनो, क्या बोलते हैं मेलोन, क्या मेलोन चिनस, मेलोन चिनस हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है। दूसरा हमारे पास के बाद तीसरा हमारे पास तीसरा ऑर्डर है। तीसरे ऑर्डर में हम क्या पढ़ते हैं बेटा, तीसरे ऑर्डर को पढ़ते हैं, इनको बोलते हैं सीडा रोडाई या सीडा रोडा। सीडा रोडियाई के बारे में बात करें, सीडा रोडियाई क्या कहता है, इनका जो टेस्ट होता है बेटा, इनका देखो कैसा था, स्फेरिकल था, इनका कैसा है ग्लोबुलर है, ये भी कैसे होते काफी मजबूत होते हैं। अभी आपको कंफ्यूजन होगा भैया, उनको स्फेरिकल को गोलाकार कहते हैं और हम लोग ग्लोबुलर को भी गोलाकार कहते हैं। स्फेरिकल मतलब होता है बेटा फैला हुआ गोलाकार, और ग्लोबुलर का मतलब होता है गजा हुआ, ठीक है, ठोस गोलाकार। ठीक है, अगला कह रहा है टू रो ऑफ लॉन्ग नैरो एम्ब्रोलैक्रल प्लेट, यानी दो रो में अलग अलग, दो अलग अलग रो में लंबे पतले हमारे पास एम्ब्रोलैक्रल प्लेट आपको दिखाई दे देंगे। टू रो ऑफ इंटर एम्ब्रोलैक्रल प्लेट, यानी अंदर की ओर हमारे टू रो दिखाई देंगे, ठीक है, किसके एम्ब्रोलैक्रल प्लेट के। और यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई भी क्या किसी भी टाइप का कोई भी यहाँ पे गिल्स आपको दिखाई नहीं दे देंगे। अब बात करें एनस जो होगा बेटा वो सेंट्रल में, कहां पे सेंट्रल में आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, ये हमको तो समझ में नहीं आता, जब मेरा क्लास चलता है तभी ये सब फोन करते हैं, हम तो ना बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आगे दूसरा बेटा एग्जांपल, इसके में सेट डाउन करना हो तो एग्जांपल क्या रख रहे, तो एग्जांपल यहां पे है हमारे पास हिस्टो, क्या हिस्टोसिडारिस। तो हिस्टोसिडारिस है पहला एग्जांपल, दूसरा है गोनियो, क्या बोलते हैं गोनियोसिडारिस। तो गोनियोसिडारिस और हिस्टोसिडारिस इसके दो एग्जांपल हैं, दोनों को सिडारोइडा के अंदर आप रख सकते हैं। प्लीज बेटा नोट डाउन फिर हम लोग आगे बढ़ें, आप इसको नोट डाउन करिए। इसको नोट डाउन करिए बेटा फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो जाएगा तो बताइएगा।
ठीक है बेटा, अगले नंबर पे चलें। हमारे पास चौथा ऑर्डर है, ठीक है, क्या है चौथा चौथा ऑर्डर, इसको बोलते हैं डाइडे मिटिडे। क्या डाइडे मिटिडे? डाइडे मिटिडे के अंदर मिडियाडा डाइडे बोलते हैं, डाइडे मिटियोडा, डाइडे मिटियोडा के अंदर क्या बोले, इनका जो टेस्ट होता है वो ग्लोबुलर और कैसा होता है, ग्लोबुलर होता है यानी गोलाकार होता है, ठीक है, यूजली ऐसा बोलता है, नॉर्मली ऐसा का कैसा गोलाकार स्ट्रक्चर में दिखाई देगा, और कंपाउंड क्या बोलता है, कंपाउंड एम्ब्रुलेक्रल प्लेट, यानी एम्ब्रुलेक्रल जो प्लेट प्लेट पाया जाएगा वो अलग अलग नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा अलग अलग नहीं मिलेगा, एक जैसे कनेक्टेड मिलेंगे, एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगले बोलता है कि इनमें जो गिल्स होते हैं, क्या होते हैं इनमें जो गिल्स होते हैं वो आपको क्या बोलते हैं, पेरिस्टोमियल, क्या बोलते हैं पेरिस्टोमियल, पेरिस्टोमियल गिल्स यहाँ पे आपको पाए जाएंगे, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना। और जो एनस होगा वो कैसा होगा, एब्रोल होगा, और सेंट्रल में आपको देखने के लिए, मतलब नीचे सेंट्रल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बीचों बीच हिस्से में। एग्जाम्पल को स्टेट डाउन करना हो तो एग्जाम्पल में हमको क्या बोलते हैं, इचनस आप रख सकते हो, बोलते हैं डायडेमा हो सकता है, उसके बाद और सारे एग्जाम्पल्स हैं उसको आप रख सकते हो, ठीक है, क्लियर कर लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर कर लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो आप देखो सेम है ना, मैं अभी आपको बता रहा था, अभी क्या है आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको सेम पढ़ लीजिएगा जैसे मैंने पढ़ाया था, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, क्या इसमें तो कोई डाउट नहीं है, आप एक साथ इसको पढ़ सकते हो, सबके सब एक बराबर ही है, आप सेम पढ़ लेंगे, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, मैंने सारे के सारे बता दिया है अलग अलग मीनिंग जो भी है। उसके बाद ये दूसरा ऑर्डर है, ये तीसरा ऑर्डर है, ठीक है, उसके बाद ये चौथा ऑर्डर, चार ऑर्डर इनमें खत्म हो जाएगा, फिर हमारे पास चौथा हमारा क्लास बचेगा, क्या बचेगा चौथा क्लास, फिर उसके बाद इनमें दो ऑर्डर मिल जाएगा, तीन ऑर्डर, ठीक है, चार पांच, पांच ऑर्डर मिल जाएगा, उसके बाद फाइलम नंबर हमारा क्या जाएगा, सॉरी सब फाइलम सेकंड आ जाएगा, सब फाइलम सेकंड की बात करेंगे तो इनमें बस केवल एक ही हमारा क्लास होगा और एक ही ऑर्डर होगा, उसके बाद यहाँ पे कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक। तो प्लीज बेटा यहाँ से आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको मैंने एप्लीकेशन पे नोट्स दे देंगे, आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा पूरा, यहाँ तक एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, जो भी डाउट होगा आप पूछ लीजिएगा, क्या जो भी डाउट होगा आप पूछ लीजिएगा, आपको मैं बता दूंगा अच्छे से, ठीक है, ठीक, आपको अच्छे से पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलते हैं बेटा, इस क्लास के बाद हम मिलेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के क्लास और फर्स्ट ईयर यूपी बोर्ड के क्लास में, तब तक के लिए आप थोड़ा सा ध्यान